पहाड़ प्रभात आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। उत्तराखंड की तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर। यूपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी का संदेश, सीएम ने 73वें स्थापना दिवस पर संदेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने 73वें स्थापना दिवस पर एक संदेश जारी किया है। संदेश में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी के मार्गदर्शन में अपना पहला स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में, आगरा और अवध के रूप में इसकी अलग पहचान थी, लेकिन भारत गणराज्य के बनने के उपरांत भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और वह तिथि थी 24 जनवरी 1950। आज जब उत्तर प्रदेश अपना 73वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन करने का प्रयास। तो योगी आदित्यनाथ के संदेश को यहाँ पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, विकास के हर एक पहलू पर खरा उतर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कांग्रेस में बगावत के सुर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब बाकी बची 17 सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों की कौन कौन सी सीट बच गई है जिस पर प्रत्याशी उतारने हैं, वो सीट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस में ज्यादातर सीटों पर बगावती सुर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में ज्यादातर सीटों पर नेताओं के बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता पार्टी से बगावत कर सकते हैं। कई सीटों पर टिकट न मिलने वाले नेताओं ने ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की, जिसके बाद टेंशन बढ़ गई है। डैमेज कंट्रोल में लगातार कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, क्योंकि इस तरीके से बगावत अगर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी और इस कमजोरी का खामियाजा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। तो ज्यादातर जो सीटें हैं उस पर नेताओं के बगावती तेवर नजर आ रहे हैं, नाराजगी सामने आ रही है और इसी नाराजगी को खत्म करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, प्रत्याशियों की सूची आने के बाद नाराजगी भी सामने आ रही है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? देखिए, कांग्रेस ने अपने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद जो 17 सीटें बची हैं वहां पर कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। खासकर अगर देखा जाए तो जो नेता पिछले 5 साल से वहां तैयारी कर रहे थे, जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, उनके टिकट कटने के बाद अब तमाम जो नेता हैं वो कांग्रेस से बगावत करने की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि पार्टी टिकट नहीं दिया है तो अब किसी भी कीमत पर वो अब पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, वो निर्दलीय जाकर चुनाव लड़ेंगे। तो इन परिस्थितियों को देखकर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो डैमेज कंट्रोल में पूरी तरह से अब बढ़ रहे हैं आगे, कि किसी भी तरह से जो पार्टी के नेता हैं वो जो डैमेज कंट्रोल बिल्कुल पूरी तरह से चुनाव लड़ने की कोशिश में लगे हैं उनको कैसे मनाया जाए। तो उनको मनाने का सिलसिला जारी हो गया है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर किसी भी तरह से फूट की स्थिति ना बने। लेकिन क्योंकि 5 साल से वो नेता तैयारी कर रहे थे, पिछले लंबे समय से ये कोशिश में थे कि पार्टी को किसी भी कीमत पर पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से अब नाराजगी बढ़ गई है। गुंजन, अब ये कोशिश की जा रही है कि जो नेता नाराज हैं उन्हें किसी भी कीमत पर मना लिया जाए ताकि चुनावों के दौरान पार्टी को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना ना पड़े। लेकिन अब ये देखना होगा जो 17 बची हुई सीटें हैं उन पे कैसे पार्टी अब एक राय लेकर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है पंकज, किस तरीके से बची हुई 17 सीटों पर सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक तरफ कांग्रेस में बगावत के सुर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब बाकी बची हुई 17 सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों की कौन कौन सी सीटें बच गई हैं जहां पर प्रत्याशियों को उतारना अभी बाकी है। हरिद्वार जिले में हरिद्वार ग्रामीण की सीट, ज्वालापुर की सीट, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, रुड़की सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी तक
नहीं हुआ है। जबकि नैनीताल जिले की बात करें तो रामनगर, कालाढूंगी और लालकुआ सीट पर अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। अल्मोड़ा जिले की सल्ट सीट पर भी कांग्रेस ने पहली लिस्ट में प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। पौड़ी जिले की अगर बात करें, लेंसडाउन की सीट बेहद अहम हो जाती है, देखना होगा कांग्रेस पार्टी सीट से किसको उतारती है। और चौबट्टा खाल सीट पर भी प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा देहरादून जिले की डोईवाला सीट, ऋषिकेश और देहरादून कैंट सीट पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने घोषित नहीं किए हैं। उधर टिहरी गढ़वार जिले की नरेंद्र नगर और टिहरी सीट पर भी प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से सबसे मजबूत दावेदार सूर्यकांत धस्माना को माना जा रहा है, मगर देखना यह होगा कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को, हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। महिलाएं हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, अब तो क्योंकि 18 साल का वोटर हो गया है तो इसलिए हमको युवाओं में को भी देखना पड़ता है, महिलाओं को भी देखना पड़ता है। और पर्वत में भी हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाल है, कुमाऊँ है, फिर तराई का इलाका है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इनमें बारीकी से पार्टी अध्ययन कर रही है, तमाम लोगों का, अलग अलग लोगों का अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रभाव है उसको देख करके पार्टी तय कर रही है। 17 टिकट रह गए, मैं समझता हूँ आने वाले एक दो दिनों में इन 17 टिकट्स की भी सूची आ जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज देहरादून पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे चुनावी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी भूपेश बघेल संबोधित करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है, देहरादून वो पहुंचने वाले हैं। 1 बजे चुनावी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद करीब 2 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर पहुंच रहे हैं और आज उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे, जहां चुनावी कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। अब देखना यह होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ भूपेश बघेल की ओर से कहा जाता है। वहीं उत्तराखंड में नामांकन का आज दूसरा दिन है। आज प्रदेश के कई दिग्गज नेता अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन होना है। रायपुर से भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा के कई अन्य दिग्गज प्रत्याशी भी अपना नामांकन भरेंगे। आज पिथौरागढ़ गंगोलीहाट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी फकीर राम, धारचूला से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश धामी अपना नामांकन करेंगे। तो वहीं कैंट से भाजपा प्रत्याशी सविता आर्य नामांकन भरेंगी। रायपुर से भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा सुबह 11 बजे अपना नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे और रामनगर से भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा रुद्रपुर से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है मीना शर्मा, कल वो अपना नामांकन करेंगी, जबकि हल्द्वानी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी समित टिक्कू अपना नामांकन करेंगे। इसके साथ ही जनेकता पार्टी से टिहरी प्रत्याशी दिनेश धने भी आज नामांकन भरेंगे। तो कई बड़े दिग्गज आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। और पंकज राणा हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, आज कई दिग्गज नेता अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे, क्या समय रहेगा, कौन कौन से दिग्गज होंगे, क्या जानकारी पूरी? पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में नामांकन का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के कई दिग्गज नेता आज अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। कल भी नामांकन दाखिल किया जाएगा, लेकिन आज कई बड़े जो नेता हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पंकज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी पूरी जानकारी ले लेते हैं। पंकज, आज कई बड़े नेता नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, आज नामांकन का दूसरा दिन है और आज अधिकांश जो नेता है अपने अपने क्षेत्रों में नामांकन को आज भरेंगे, क्योंकि आज 24 तारीख है और 24 और 25 तारीख को ही नामांकन होंगे। 26 तारीख का अवकाश होने की वजह से 26 तारीख को नामांकन नहीं होंगे, तो इसलिए अधिकांश नेता आज सोमवार के दिन नामांकन प्रक्रिया को करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, क्योंकि सोमवार का दिन भी है और शुभ मुहूर्त के तौर पर तमाम प्रत्याशी अपने घरों पर पूजा के बाद निकलेंगे। हालांकि मौसम थोड़ा नासाज है, बरसात हो रही है, लेकिन तमाम प्रत्याशियों की आज नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। देहरादून की अगर बात
करें तो रायपुर से उमेश शर्मा काऊ आज नामांकन करेंगे, कैंट विधानसभा से सविता आर्य जो हरबंश कपूर की पत्नी है जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया था वो आज नामांकन करेंगे। इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी आज नामांकन करेंगे। इसके साथ साथ ही जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी वो 28 तारीख को नामांकन करेंगे। धर्मपुर से जो प्रत्याशी हैं भाजपा के वो कल नामांकन करेंगे। इस तरह से तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने हिसाब से दिन तय किए हैं। ये शुभ मुहूर्त के आधार पर भी तमाम प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जाएंगे, लेकिन आज क्योंकि सोमवार का दिन है और आज ज़्यादा संख्या बताई जा रही है कि आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं तमाम प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने के लिए जाएंगे। इसमें एक विशेष तौर पर यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर सभी प्रत्याशियों को कहा था कि प्रत्याशी जो भी नामांकन करने आएगा तो वो प्रस्तावक के तौर पर दो ही लोगों को अंदर लेके जाएगा, किसी भी तरह का हल्ला नहीं करेगा, भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा की जाएगी। तो ये तमाम प्रक्रिया आज पूरी तरह से बंद रहेंगी, सिर्फ प्रत्याशी अपने नामांकन के लिए जाएंगे। सोमवार क्योंकि 21 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस दिन 21 तारीख को 107 नामांकन देहरादून में बिके थे और कोई भी प्रत्याशी ने नामांकन जमा नहीं किया था, लेकिन आज क्योंकि सभी प्रत्याशी आज नामांकन करने आएंगे अधिकांश लोग, तो अब देखा जाएगा कि 11 बजे से किस तरह से लोग जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में आज उम्मीद है कि प्रत्याशी नामांकन करेंगे। गुंजन ठीक है, पंकज आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे और खबरों पर भी जानकारी देंगे। वही चलिए रुड़की से खबर है जहां झबरेड़ा सीट पर टिकट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान इस सीट से नहीं किया है। टिकट फाइनल को लेकर तमाम दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सिटिंग विधायक एमएलए देशराज भी टिकट के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि टिकट आखिर किसको दिया जाता है। चाहे भाजपा की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, दोनों ही दलों ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान झबरेड़ा सीट से नहीं किया है। मंथन लगातार जारी है, टिकट फाइनल को लेकर तमाम दावेदारों के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, प्रदेश में 31 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और स्कूलों को बंद करने का फैसला 31 जनवरी तक लिया गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में संक्रमण का खतरा स्कूल के बच्चों को छात्रों को भी होगा, जिसको देखते हुए 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला प्रदेश में लिया गया है। और पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, नाइट कर्फ्यू को लेकर भी फैसला पहले ले ही लिया गया था और उसके बाद अब स्कूल बंद करने का भी फैसला लिया गया है। बिल्कुल गुंजन, देखिए उत्तराखंड में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 3000 से ऊपर हर रोज मामले उत्तराखंड में आ रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार लगातार जो कड़े फैसले हैं वो ले रही है। चुनाव जब आचार संहिता लगी थी उससे पहले नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया था, उसके बाद 16 तारीख तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे और अब 26 तारीख तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए थे इससे पहले। लेकिन कल देर रात शासन की ओर से एक SOP जारी हुई है, उस SOP में 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश कर दिए गए हैं। 12 तक के सभी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा जो राजनीतिक रैलियां हैं, क्योंकि चुनावों का दौर चल रहा है, राजनीतिक रैलियों पर भी 31 जनवरी तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। भीड़भाड़ इलाकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, कहीं भी भीड़भाड़ नहीं इकट्ठा होगी। इसके अलावा जो भी शादी समारोह होंगे या अन्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनमें 50% क्षमता के साथ लोगों को जाने की एंट्री की बात कही गई है। तो ये तमाम प्रतिबंध लगातार शासन की ओर से जारी किए जा रहे हैं। 31 तारीख तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब 1 फरवरी से जा रहा है कि कुछ ढील शासन की ओर से दी जा सकती है, क्योंकि कोरोना के जो ग्राफ है वो कुछ कमी उसमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर इसी तरह से मामला रहता है तो इसको आगे भी प्रतिबंध को बढ़ाया जा सकता है। गुंजन बिल्कुल, पंकज अगर देखें तो हालात कोरोना को लेकर उत्तराखंड में काफी खराब है, ऐसे में प्रशासन को सख्ती दिखा ही रहा है, लेकिन सरकार की ओर से भी कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं पौड़ी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी नवल किशोर पर दांव खेला है। कांग्रेस प्रत्याशी नवल का दावा है कि इस बार पौड़ी सीट पर कांग्रेस की ही जीत होगी। निश्चित रूप से जिनको भारतीय जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आशा विश्वास के साथ में वोट दिया था, वो सब लोग जो युवा साथी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, जो महिला वर्ग है, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। और 2022 में जनता ने मन मला लिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनानी है।
उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर आज बैठक होनी है। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक होगी आज। बाकी बचे हुए प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगेगी। आज शाम 4 बजे से कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। आज देर रात प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के जो बचे हुए प्रत्याशी हैं, 17 सीटों पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है, उस पर आज घोषणा हो जाएगी। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए। अविनाश, सीईसी की आज बैठक होनी है, मंथन होगा और बाकी बची हुई सीटों पर ऐलान हो जाएगा, क्या जानकारी बैठक को लेकर आपके पास? सोनिया गांधी के सामने पेश किया जाएगा। पहली लिस्ट में अगर बात करें तो कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। अभी भी 17 सीट बची हुई है जिसमें हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। इसके अलावा भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत या उनकी बहू, उनमें से किनको टिकट मिलता है ये भी अभी सस्पेंस बरकरार है। तो लिहाजा अगर आज बात करें तो 4 बजे सीईसी की बैठक होगी जिसमें तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों की मोहर लगा दी जाएगी और उसके बाद देर रात तक कांग्रेस पार्टी अपने 17 बचे हुए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी, जिसके बाद कल से वो अपना नामांकन कर सकेंगे। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां चुनावों को लेकर एक्शन में अजय कोठियाल नजर आ रहे हैं। आज अजय कोठियाल नव परिवर्तन संवाद करेंगे। आज कोठियाल टैक्सी ऑटो वालों से संवाद करने वाले हैं। ई रिक्शा व अन्य चालकों के साथ भी संवाद किया जाएगा। तो चुनावों को लेकर अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं और एक्शन मोड में अजय कोठियाल नजर आ रहे हैं। नव परिवर्तन संवाद वो करेंगे, टैक्सी ड्राइवर से ऑटो वालों से संवाद किया जाएगा। ई रिक्शा और अन्य चालकों के साथ भी आज अजय कोठियाल संवाद करेंगे। तो हर तरीके से जनता के बीच जाने की कोशिश, जनता से जुड़ने की कोशिश लगातार जारी है और आज अजय कोठियाल भी ये करते हुए नजर आएंगे। टैक्सी ऑटो वालों से संवाद करते हुए नजर आएंगे, ई रिक्शा और अन्य चालकों से भी बातचीत करते हुए अजय कोठियाल आज नजर आएंगे। और अब बात करेंगे पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक बारिश और बर्फबारी का सितम जारी है। लगातार खराब मौसम से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। प्रदेश में अगले 24 घंटे और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। बर्फबारी से सैलानी तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वहां रहने वाले लोग हैं उनके लिए जरूर परेशानी खड़ी हो गई है। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो भारी बर्फबारी उत्तराखंड आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी बन रही है। इस वक्त 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, अल्मोड़ा, मसूरी, नैनीताल, टिहरी, जोशीमठ और विकासनगर की तस्वीरें, जहां पर आपको हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। बर्फबारी लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी अब ठंड का सितम बढ़ा है। कई तस्वीरों में पहाड़ों पर घूमने आने वाले सैलानी मस्ती करते हुए भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, तो वहीं कई तस्वीरों में भारी बर्फबारी से चारों तरफ सन्नाटा और बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही होगी। स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फ जरूर मुश्किलें खड़ी कर रही है। और चलिए अब बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे बर्फबारी के कारण आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। यही नहीं, 7 से अधिकांश ग्रामीण मोटर मार्ग भी बंद हो गए हैं। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। जो रास्ता है पूरी तरीके से बंद हो गया है, बर्फ की सफेद चादर हर तरफ नजर आएगी। वहीं हल्द्वानी में भी सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को ठंड सताने लगी है। लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि ठंड का सितम भी लगातार बढ़ रहा है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश कुछ जगहों पर हो रही है, इसकी वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नैनीताल में हाथियों का एक झुंड आबादी वाले इलाकों में घुस गया है। एक साथ इतने हाथी देखकर ग्रामीणों के बीच भगदड़ मच गई है। अपनी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे हैं। बाद में ग्रामीणों ने शंख और थालियां बजाकर किसी तरीके से इन हाथियों को वापस जंगल की तरफ भगा दिया है।
तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथियों का झुंड आपको नजर आएगा। हाथियों को देखकर ग्रामीण वहां से भाग गए हैं और दहशत का माहौल बना हुआ है। किसी तरीके से इन ग्रामीणों को इन इलाकों से दूर किया गया है। वहीं पौड़ी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला जेल के 16 कैदियों को भी कोरोना हो गया है। कोरोना के बढ़ते केस के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप है। कैदियों को एहतियात बरतने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं, साथ ही साथ उन्हें आइसोलेट भी किया गया है। नोडल अधिकारी कार्मिक की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताई गई है। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं प्रशासन में, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है।